Hello dear students, welcome to the class. So in the last lecture of class 12 physics, we were discussing about electric dipole and dipole field or electric field due to that dipole. Okay, we have derived two different formulae for electric field at any point on the axial line and then at any point on the equatorial line. Okay, तो फाइनली वहाँ पे स्पेशल केस यूज किए थे जहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो वहाँ पे टू डिफरेंट फॉर्मूले फॉर सेपरेटली फॉर एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट डेराइव किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वहीं से कंटिन्यू रहेगा. आज का जो टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. ओके, कोई एक्सियल या इक्वेटोरियल ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे. एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल. ओके, सी दिस पिक्चर, इसको बना सकते हैं. दिस इज द डाइपोल. ओके, विथ द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, वही सेम है. यहाँ पे डाइपोल लेंथ जो है 2L. ओके, P is the dipole moment of the dipole. Its direction is from minus Q to plus Q. ये discuss कर चुके हैं P का direction. ठीक है, O इसका midpoint है. Dipole का midpoint O है. तो यहाँ पे एक point लिया जाता है observation point that is P at a distance R from O. Okay, तो कोई सा भी एक तो point है, पर यहाँ पे ये given है कि ये point P इस डाइपोल के साथ, और ज्यादा एक्यूरेट होगा इस डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है. ओके, सी दिस, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है दिस लाइन आर. ओके, ये आर जो आर लेंथ का जो लाइन है ये डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, तो पी पॉइंट पे हमें ड्यू टू दिस डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल फील्ड के लिए एक फॉर्मूला वहां पे डेराइव करना है. ओके, एट एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला. तो देखो वहां पे, यहां पे एक क्या अराइज होगा ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट पी. ओके, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन, ये है थीटा. तो इफ वी रिजॉल्व दिस वेक्टर, दिस डाइपोल मोमेंट इनटू इट्स टू डिफरेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो क्या मिलेगा यहां पे? एक होगा P cos theta along this, along O to P, ये होगा P cos theta. ठीक है, इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होगा along this, okay, with making 90 angle to OP, इस तरफ, ये होता है ना P sin theta, इस तरफ होगा. ठीक है, ये रिजोल्यूशन के बाद. तो अब देखो यहां पे जो हम लास्ट क्लास पढ़े थे कि अगर इसके ऊपर वो पॉइंट होता, एक्सियल पॉइंट पे अगर पी होता, यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता, तो इसके लिए जो डाइपोल फील्ड मिलता वो कैसा होता? हम वहां पे ये बोल सकते थे कि द डाइपोल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट पी, ऐसा बोल सकते हैं. डाइपोल फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट पी, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला था, जो हमारा स्पेशल केस वाला फॉर्मूला था, 1/4πε0, यही था 2π/r³, यही था फॉर्मूला स्पेशल केस वाला, यही है ना. E एक्सियल ये वाला फॉर्मूला था. तो हमें क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट P, यहां पे ये है फील्ड. ओके, तो यहां पे देखो इस लाइन को देखो, इस लाइन पे इस डायरेक्शन पे एक डायपोल मोमेंट है P cos थीटा. ठीक है ना, तो P cos थीटा के लिए P पॉइंट पे, अगर P cos थीटा के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे EA दैट इज, तो क्या आएगा? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि P cos थीटा एक डायपोल मोमेंट है, तो उसके एक्सियल पॉइंट पे है ये P, P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पे P है. ठीक है, तो ये जो आएगा इस P cos थीटा के अकॉर्डिंग आएगा, एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला. लास्ट क्लास बताया गया था एट एनी पॉइंट वाला केस जो पढ़ेंगे
एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के रिजल्ट्स को यूज करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये पी कॉस थीटा के लिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो एक्सियल पॉइंट वाला केस होगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल की बात करें, जो इक्वेटोरियल लाइन था वहां पे एक पॉइंट था ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके लिए फील्ड क्या मिलता था, दैट इज ई इक्वेटोरियल 1/4πε0 P/r³, यही था फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए। तो यहां पे देखो ये जैसे लाइन है, यहां पे पॉइंट है, तो इस P पॉइंट के लिए ये P sin थीटा वैसा कुछ होगा। ये P sin थीटा एक डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट एक्टिव होगा, ये वाला P sin थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए ये एक्टिव इक्वेटोरियल पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ई इस डायरेक्शन पे होगा, जो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। पी साइन थीटा के लिए पी पे फील्ड निकालना है तो ये बिहेव करेगा इक्वेटोरियल पॉइंट जैसा इसके लिए, तो ई को इक्वेटोरियल पॉइंट का केस यूज करके उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ईए के लिए हमें एक्सियल पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करना है, ई के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करना है। ये जैसे मिल गया तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज ई, वही होगा नेट फील्ड, समझ में आ रहा है। ओके, तो एट एनी पॉइंट के लिए हमें एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो वही करते हैं, ईए और ई के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं और उनका दैट इज योर रिजल्टेंट निकालते हैं। ओके, ये डायग्राम बना लिए, तो अब वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे लेके जाते हैं। तो दो कंपोनेंट है, तो पहले क्या निकालेंगे, ई ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखो ऐसा होगा 1/4πε0। ओके, डायग्राम बना के वो डाटा लिख लेना। ओके, डायपोल है, पॉइंट, थीटा एंगल, वो वाला डाटा अपने इजी लैंग्वेज से लिख देना, ठीक है। फिर दोनों फील्ड निकालना है, ई ए क्या होगा देखो, पी बाय 2π/r³ होता था, तो 2 × P की जगह पे होगा P cos थीटा, इसी डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल वाला केस आ रहा है, बाय r³ होगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब EE क्या होगा, इक्वेटोरियल वाला केस, मतलब ये 1/4πε0 P sin थीटा बाय r³ हो जाएगा। EE जो आएगा वो इक्वेटोरियल केस से आएगा, ये एक्सियल केस से आया है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री ही है, डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है ना, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर नेट फील्ड निकालोगे E, तो क्या होगा फॉर्मूला, वेक्टर कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों के स्क्वायर का एडिशन और उसका स्क्वायर रूट, 90 डिग्री है ना, ठीक है। दिस विल बी, ये कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, देखो अगर इसको लिखें इसके अंदर, दिस इज 1/4πε0, ओके लिख दो 2π cos θ/r³, उसका स्क्वायर प्लस 1/4πε0 P sin θ/r³, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से 1/4πε0 का स्क्वायर और क्या कॉमन जाएगा, P का स्क्वायर, r³ का स्क्वायर, सभी कॉमन जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट, तो देखो बाहर आएगा 1/4πε0, ठीक है, P आएगा बाय r³, इतना पूरा बाहर आएगा, इनका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होके आएगा, कॉमन भी जाएगा दोनों से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा, फिर ये रहा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सॉरी 4cos स्क्वायर थीटा रहेगा, ये 4cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप अब जाओ, इसके बाद क्या आएगा, सीरीज, इसे नेक्स्ट, दैट विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 P/r³, ये देखो 3cos स्क्वायर थीटा लिखो इसको, और फिर रहेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3cos स्क्वायर थीटा
प्लस वन उसका स्क्वायर रूट. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड एट एनी पॉइंट. ठीक है, हमें डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पता रहना चाहिए, मिडिल पॉइंट से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है पता रहना चाहिए, और वो जो है जो डिस्टेंस वहां पे बनेगा लेंथ, वो डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो पता रहना चाहिए. देन वी कैन कैलकुलेट डाइपोल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल. ओके, सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर एट एनी पॉइंट. समझ में आया? इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के कंसेप्ट को यूज करके ये फॉर्मूला डेराइव होता है. अच्छा, इसको अब यूज करके थोड़ा देखते हैं. अगर ये एनी पॉइंट वाला है और इसी को फिर से यूज कर देंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल में तो होगा? क्यों नहीं होगा, वैसे तो ये निकला है. एक्सियल अगर होगा तो ये क्या होगा? कॉस थीटा. थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा एक्सियल के लिए. अगर हम एक्सियल पॉइंट पे निकालें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा. ये वाला लाइन मतलब डायपोल मोमेंट के साथ 0 डिग्री. तो कॉस 0 मतलब 1, ये 4 आ गया और उसका स्क्वायर रूट तो 2 नहीं आ गया. ये देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा. 3 + 1 = 4, उसका स्क्वायर रूट 2, तो 2π/r³ यही तो है. और इक्वेटोरियल के अगर ये हम निकालें तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री हो गया मतलब ये 0, 1 का स्क्वायर रूट 1. सो दिस विल बी 1/4π/ε₀ p/r³. ये तो मिला था फॉर्मूला. ओके, तो ये एट एनी पॉइंट के लिए है, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और जो भी न्यूमेरिकल इसके अकॉर्डिंग आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे इसका तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन की बात क्या होगा? हम वहाँ पे डायरेक्शन की बात किए थे कि एक्सियल में अलोंग द डायपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल में ओपोजिट टू डायपोल मोमेंट. यहाँ पे देखो डायग्राम में एक तो अल्फा एंगल बनाया गया है. जैसे पॉइंट P है तो ऐसा है EA, ठीक है, और ऐसा मिला है EE. डायग्राम में देखना, और ये हमारा हो गया नेट फील्ड. तो यहाँ पे एक अल्फा एंगल बनाया है, डायग्राम में देख लेना, EA और रिजल्टेंट के बीच अल्फा एंगल है. तो उस अल्फा को निकाल लेंगे. देखो वहाँ पे टेन अल्फा कितना होगा, ये EE है तो ये भी EE होगा मैग्नीट्यूड उसका. इस ट्राइंगल में देखो, ये ई तो ये भी ई, इस ट्राइंगल में टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे आएगा ई ई बाय ई ए, इतना ही आएगा टेन अल्फा. सो अल्फा विल बी टेन इनवर्स दैट मच ई ई बाय ई ए. ये वेक्टर कैलकुलेशन में पढ़े हो, ठीक है. तो अल्फा मिल गया, तो डायरेक्शन को कैसे मेंशन करेंगे? सो द डायरेक्शन ऑफ नेट डायपोल फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट डायपोल इज along the line making an angle of this much, जितना आएगा वैल्यू with EA, वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो ये एंगल के लिए और डायरेक्शन के लिए डायपोल फील्ड का. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल. ओके, तो डायपोल फील्ड का पूरा कंसेप्ट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक अब जाना है आगे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे. ओके, यहाँ पे दोनों केस पढ़ेंगे, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. तो यहाँ पे देखो, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो एक रीजियन बनाया गया है, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, वही है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है पैरेलल लाइंस, ठीक है. और ये एरो मार्क है मतलब डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को ऐसे रखा जाए, सी दिस, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है डायपोल लेंथ दैट इज 2L, ठीक है. तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होगा डायपोल मोमेंट P. यहाँ पे देख रहे हो, डायग्राम बना सकते हो, डायपोल मोमेंट P माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ओके, सपोज दिस डायपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है यहाँ पे. डायपोल मोमेंट ये है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो ये एंगल थीटा बना है, ओके तो यहां पे क्या होगा, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? तो देखो यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, तो उस पर फोर्स आएगा। हम तो पढ़े हैं ना एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट किए थे, तो अगर चार्ज को फील्ड के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो अलोंग द फील्ड आएगा, प्लस क्यू चार्ज अलोंग द फील्ड फोर्स लगता है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड जो बना है प्लस से माइनस बना होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो, तो ये प्लस चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा, दैट मींस उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, समझ में आ रहा है। वैसे ही माइनस क्यू चार्ज के ऊपर उसके ओपोजिट में लगेगा, अगर प्लस क्यू के ऊपर अलोंग द फील्ड है तो माइनस क्यू के ऊपर ओपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया क्यू ई इस तरफ और ये हो गया माइनस क्यू ई, दोनों चार्ज सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म है हर एक पॉइंट पे सेम, तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों फोर्स का दोनों ऑब्वियसली सेम होगा, क्यू ई और ये भी क्यू ई, पर ऑपोजिट होगा। तो अगर पूरे डाइपोल को एक सिस्टम मान के चले तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो नेट फोर्स इज जीरो ऑब्वियसली, ठीक है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो नेट फोर्स यहां पे जीरो है, तो इसमें कोई नेट फोर्स तो नहीं लगेगा। पर यहां पे देखो ये प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई ये दोनों फोर्स एक कपल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, पढ़े हो रोटेशनल मोशन 11th क्लास में, वही कंसेप्ट आएगा, ओके। ये पूरा जो डायपोल है इस डायपोल के दोनों एंड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट मींस दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल सो दैट ए टॉर्क इज अप्लाइड हियर, यहां पे एक टॉर्क क्रिएट होगा और टॉर्क का क्या काम होता है, रोटेट कराना, ठीक है ना। तो ये ऐसे डायपोल होगा तो इस पे क्यू ई फोर्स इस तरफ लगेगा, माइनस क्यू इस तरफ, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये डायपोल है ये ऐसे घूमेगा, ये टॉर्क क्रिएट करेगा, दैट टॉर्क विल रोटेट दिस डायपोल, ठीक है। तो वो टॉर्क का कितना अमाउंट होगा फॉर्मूला वो यहाँ पे निकालना है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो, ठीक है, नेट फोर्स ऑन डायपोल जीरो, नेट फोर्स ऑन डायपोल इक्वल टू जीरो, समझ में आया क्यों है, क्योंकि प्लस क्यू ई इधर माइनस क्यू ई लिख लेंगे उसको, ठीक है, नेट फोर्स क्यों जीरो हो रहा है, बट ए टॉर्क एक्ट्स ऑन डाइपोल, पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है ना, ड्यू टू इस कपल, जो दो फोर्स है कपल क्रिएट होगा तो एक टॉर्क एक्ट करेगा, उसको रोटेट कराएगा, ठीक है। तो यहां पे उस टॉर्क को निकालना है। अच्छा, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू, थोड़ा सा रिकॉल करना 11th क्लास का फॉर्मूला, ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दो टो फोर्स है कपल जो क्रिएट किया है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो कोई भी मैग्नीट्यूड उठा लो, इंटू दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, टॉर्क का फॉर्मूला टाओ इक्वल टू एफ आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है, 11th क्लास का कंसेप्ट है टॉर्क का। तो यहां पे फोर्स तो क्यू ई है, दिस विल बी फोर्स, इसका क्यू ई हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, इंटू देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये फोर्स, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे 12 साइन थीटा लिखा है, वो कहां से आया, ये देखो एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर साइन थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, पी बाय एच, मतलब ये वाला लेंथ, जो लेंथ हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज डी, डी बाय 2l होगा हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा, तो d इक्वल टू कितना आएगा, 2l साइन थीटा आएगा, वही तो लिखा है डायरेक्टली 2l साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है
2n sin theta उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे इसको लिखो 2QL, देखो 2QL इंटू E साइन थीटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अभी 2QL क्या है, कल से डिस्कस, लास्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, 2QL डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, तो ये बन गया PE साइन थीटा, टॉर्क का सिंबल टाओ लिया जाता है, तो ये बन गया PE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड की बात है। पर अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क टाओ अगर वेक्टर दें इसको, ये तो मैग्नीट्यूड की बात है, PE साइन थीटा, इसको अगर वेक्टर दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन जाएगा डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, PE साइन थीटा मतलब P क्रॉस E, ये E क्रॉस P भी हो सकता है, ठीक है, रोटेट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डायपोल कैसे वो अलाइन होके है उसके साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, P क्रॉस E लिखते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होता है जो वेक्टर आता है रिजल्ट में, दोनों वेक्टर के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, तो अगर इस प्लेन में ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट, तो इस तरफ होगा, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर इस तरफ, अगर ये P क्रॉस E इस तरफ हो रहा है तो E क्रॉस P करेंगे तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो रोटेशन के अकॉर्डिंग ये वाला रूल यूज करना, राइट हैंड थंब रूल, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे तो इस तरफ होगा टॉर्क, ये कैसे रोटेट करेगा, अच्छा ये इस तरफ ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएगा, तो अगर ये वाला राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा इनसाइड दिस, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनसाइड, ठीक है। अगर माइनस क्यू वहां पे होता, प्लस क्यू यहां पे होता, तो इसको ये इस तरफ घुमाता, ऐसे ऐसे घुमाता, ठीक है, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये होता क्रॉस प्रोडक्ट में जो आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अलोंग, डायरेक्शन टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई, वही होता है टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉर्क अप्लाई होता है, ये होता है उसका फॉर्मूला पी साइन थीटा, इतना टॉर्क अप्लाई होगा उसको घुमाएगा। तो यहाँ पे दो सब केसेस पढ़ते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट केसेस, देखो ये नोट कर लिए, अच्छा दो डिफरेंट केसेस यहाँ पे हमें देखना है, क्या होगा वो केस, सपोज ऑलरेडी वो डाइपोल अलोंग द फील्ड है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू आइदर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, थीटा इक्वल टू आइदर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब क्या है, 0 डिग्री मतलब ये ऐसे है, P इस तरफ E भी इसी तरफ, ठीक है, इस तरफ डायपोल मोमेंट है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, माइनस क्यू इस तरफ प्लस क्यू, तो ऐसे अगर है तो देखो जो आएगा टॉर्क P साइन थीटा है, साइन थीटा तो जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू, कोई टॉर्क नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 180 भी करेंगे तो जीरो आता है, मतलब 180 का मतलब क्या है कि ऐसे होगा डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मतलब चार्ज का पोजिशन चेंज, इस तरफ माइनस क्यू इस तरफ प्लस क्यू, तो इस तरफ डायपोल मोमेंट आएगा, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू होगा, तो ये 180 डिग्री है, तो यहां पे भी टॉर्क क्या होगा, जीरो ही होगा, 180 cos 180 भी जीरो होता है, ठीक है, पर टू डिफरेंट नेमिंग होता है इसका। अगर ये केस है 0 डिग्री में टाउ जीरो जो हमें मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ये वाला केस है अलोंग द फील्ड वाला, और ये वाला अगर है तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर 180 डिग्री वाला केस है। तो इसमें समझना ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेबल क्यों बोलते हैं, अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, ओके, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सपोज ये वाला केस है 0 डिग्री वाला, सपोज उस डायपोल को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किए तो वापस ऐसे घूम के 0 डिग्री में आके रह जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो
फिर से आके ऐसे ही 0 डिग्री के साथ ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। पर अगर 180 में अगर है और उसको डिस्प्लेस किए तो वो 180 में आके नहीं रहेगा, वो ऐसे घूम के 0 डिग्री वाले में आके रहेगा। अनस्टेबल मतलब इस पे स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दिए पोजीशन तो ये ऐसे आके 0 डिग्री वाले पोजीशन में रह जाएगा 180 से 0 डिग्री में, ठीक है। पर 0 डिग्री से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो फिर से 0 डिग्री में आके रहेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो दो डिफरेंट केसेस है टॉर्क के लिए। तो पी साइन थीटा उसका फॉर्मूला है, एरेसन की भी बात कर चुके हैं, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो वो वाला केस था कि जब 0 डिग्री हो रहा था थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो टॉर्क 0, रोटेशन नहीं हो रहा था, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। यहां पे देखते हैं ये केस कि अगर डायपोल मोमेंट ई के साथ परपेंडिकुलर है, आइदर ऐसे हो सकता है डायपोल मोमेंट या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ई के साथ डायपोल मोमेंट 90 डिग्री बना रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना होगा टॉर्क, टाउ इक्वल टू हो रहा है पी साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये होगा पी, तो टाउ इक्वल टू होगा यहाँ पे पी मैग्नीट्यूड उसका, जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो वैल्यू होता है ये सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। टॉर्क का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होता है, अगर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो, ओके। तो ये डिफरेंट केसेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म था, ये अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात। ये इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं, नोट कर सकते हैं, ओके। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन इसी तरफ है और इसी तरफ इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, मतलब सपोज ये इस तरफ इंक्रीज होते होते जा रहा है, सेम तो नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो। सपोज इस तरफ ही इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो जब जो डायपोल होगा माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो क्यू इंटू ई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स जो होगा प्लस क्यू माइनस क्यू में, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, वहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम था, ओपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए नेट फोर्स जीरो हो रहा था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो एक नेट फोर्स मस्ट उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, नेट फोर्स एक्ट करेगा और कुछ एंगल है तो टॉर्क भी एक्ट करेगा, दोनों एक्ट करेगा, टॉर्क उसको घुमाएगा भी और नेट फोर्स तो रहेगा, ठीक है, नेट फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई जो फॉर्मूला जिससे जो निकालेंगे दोनों फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो नेट फोर्स रहेगा, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये दोनों पॉइंट क्या कहता है, देखो सपोज पहला केस कुछ ऐसा है कि डायपोल मोमेंट पैरेलल टू ई है, मतलब ऐसा है ये जो डायपोल है ये ऐसा है माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो ये डायपोल मोमेंट है ये पैरेलल टू ई हो गया इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फील्ड इस प्लस क्यू वाले पॉइंट में ज्यादा होगा या माइनस क्यू वाले पॉइंट में, इस तरफ इंक्रीजिंग है, दैट मींस प्लस क्यू में फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे प्लस क्यू में ज्यादा फील्ड होगा माइनस क्यू में कम होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा प्लस क्यू के ऊपर वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना प्लस क्यू के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू की तरफ ऊपर इस तरफ होगा, पर ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है ग्रेटर। अगर ये F1 होगा ये F2 होगा, तो इस केस में देखो F1 इज ग्रेटर देन F2 ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस क्यू की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, उसी तरफ लगेगा ग्रेटर फोर्स की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे लिखा है नेट फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ई,
जिस डायरेक्शन पे ये इंक्रीज हो रहा है उसी तरफ लग रहा है नेट फोर्स। समझ में आया? अगर ये केस होगा तो डायपोल अगर अलोंग द ई है तो ठीक है, और टॉर्क तो जीरो ही होगा क्योंकि थीटा यहाँ पे जीरो है पी साइन थीटा के अकॉर्डिंग, तो टॉर्क तो जीरो होगा और नेट फोर्स इंक्रीजिंग ई की तरफ लगेगा। ठीक है, अगर ये वाला केस हुआ, देखो यहाँ पे अगर दूसरा वाला केस है, जैसे ये तो इंक्रीजिंग फील्ड है फिर से, ई इसी तरफ है इंक्रीजिंग, अगर इस तरफ इंक्रीजिंग है तो इस तरफ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अगर एंटी पैरेलल है मतलब इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो ये जो डायपोल मोमेंट पी है वो इस तरफ हो जाएगा, डायपोल मोमेंट पी इस तरफ हो जाएगा, तो ये एंटी पैरेलल है डायपोल मोमेंट ई के साथ। अब देखो कहां पे फील्ड ज्यादा है, माइनस क्यू में फील्ड ज्यादा है, इस तरफ इंक्रीजिंग है ना तो माइनस क्यू में फील्ड ज्यादा है, तो इसके लिए फोर्स कहां पे लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसको F2 मान रहे हैं, इसके लिए फोर्स इसी तरफ लगेगा अलोंग द फील्ड F1, पर यहां पे देखो F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है, F2 ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, F2 की तरफ ही लगेगा, F2 ग्रेटर है, तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज अलोंग डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वही लिखा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नेट फोर्स होगा। तो ये दो डिफरेंट केस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो इस केस में टॉर्क तो जीरो होगा पर नेट फोर्स एक लगेगा, अगर डायपोल मोमेंट पैरेलल टू ई है तो अलोंग इंक्रीजिंग फील्ड, डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू ई है तो अलोंग डिक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क किसी केस में जीरो हो सकता है पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, वहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा था, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज के ऊपर अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, तो आज इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉर्क और डायपोल फील्ड जो निकाले हैं उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।